आखिरकार सभी किसान भाइयों का इंतजार खत्म हो गया है और अगली किस्त जो 2000 रुपये की इंस्टॉलमेंट है अब आनी स्टार्ट होने वाली है, या आपको डेट निश्चित कर दी गई है। पीएम किसान सम्मान निधि की जो 2000 रुपये की इंस्टॉलमेंट थी इस साल की दूसरी किस्त जो थी वो उसकी डेट निश्चित कर दी गई है। आपको दिखा देते हैं किस टाइम कैसे आएगी और कितने बजे आएगी और किस तारीख को आएगी, और जिनकी नहीं आई है उसकी किस तरह से आएगी, सभी बातें इस वीडियो में जानकारी लेंगे। चलिए नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंदर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सीएससी ऑनलाइन नॉलेज। सबसे पहले आप देखिए यहाँ देख सकते हैं प्रधानमंत्री द्वारा डीबीटी के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 14वीं किस्त हस्तांतरण करने का कार्यक्रम, यानी कि 27 जुलाई 2023 को आपकी किस्त जारी की जाएगी। 27 जुलाई को आपकी इस साल की दूसरी किस्त और 14वीं किस्त, अब तक की 14वीं किस्त जारी की जाएगी। और जिसकी किस्त नहीं आई है उसकी किस्त के बारे में बात करेंगे, आपको किस तरह से पता करना है, और जिसकी किस्त आई है आपको किस किस खाते में पहुंची है उसके बारे में बात करेंगे। आप सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ कि अपना स्टेटस कैसे चेक करना है। स्टेटस चेक करने के लिए आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर सेलेक्ट कर लेंगे, फिर कैप्चर कोड डाल देंगे, फिर गेट डिटेल्स पे क्लिक करें। अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता, आप नाउ योर रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक करके मोबाइल नंबर से भी रजिस्ट्रेशन नंबर जान सकते हैं और आधार कार्ड से भी रजिस्ट्रेशन नंबर जान सकते हैं। आधार कार्ड के लिए आपको यहाँ आधार कार्ड नंबर फिल करना पड़ेगा, फिर आपको कैप्चर कोड फिल करना पड़ेगा, फिर आपको गेट डिटेल्स पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप गेट डिटेल्स पे क्लिक करोगे आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। चलिए कैप्चर कोड फिल कर लेते हैं। पहले आपको यहाँ जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड था केवाईसी कराते वक्त या आधार कार्ड में जो नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी गया हुआ, आपको यहाँ ओटीपी फिल कर लेना है, फिर गेट डिटेल्स पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप गेट डिटेल पे क्लिक करेंगे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा और आपके पास दूसरी दूसरी तरफ आपका नाम आ जाएगा। यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर को कॉपी कर लेना है। इसको कॉपी करके आप नाउ योर स्टेटस पे जाकर अपना स्टेटस चेक कर लेना। आपकी किसान पेंशन में कोई दिक्कत तो नहीं है, और आपकी किस्त 14वीं किस्त या इस साल की दूसरी किस्त आएगी या नहीं आएगी। अगर आएगी और सभी कुछ सही हुआ तो किस्त आ जाएगी, और नहीं हुआ तो आपको यहाँ स्टेटस में नो लिखा हुआ दिखाई देगा कि आपको कुछ ना कुछ फॉर्म में दिक्कत हो गई है या आधार कार्ड में या बैंक में, तो इसलिए आपकी किस्त नहीं आएगी। तो आपको उसको उस दिक्कत को किस्त से ठीक करना है। चलिए यहाँ देख सकते हैं आप मेरे ये जो है मैं अपनी ही चेक कर रहा हूँ, और ये 13वीं इंस्टॉलमेंट मेरी सक्सेसफुली आ गई थी, और आपके 14वीं किस्त आने वाली है वो भी सक्सेसफुली आ जाएगी, क्योंकि मेरे अकाउंट में कुछ भी दिक्कत नहीं है। फिर भी आपको स्टेटस दिखा देते हैं किस तरह से अगर आपके दिक्कत होगी तो। यहाँ देख लेना है लीड सेडिंग यहाँ पे यस होना चाहिए, और आधार बैंक सेडिंग स्टेटस यहाँ भी सही होना चाहिए, ई केवाईसी आपकी होनी चाहिए। अगर आपको यहाँ आधार बैंक सेडिंग का स्टेटस शो नहीं कर रहा, नो दिखा रहा है वहाँ पे और कैंसिल का दिखा रहा है, तो आपकी किस्त इस साल की भी नहीं आएगी। तो सबसे पहले अपनी आधार सेटिंग बैंक सेटिंग को स्टेटस चेक करने के लिए आपको आधार की वेबसाइट पर आना है। आपको यहाँ आधार कार्ड नंबर डालना है, फिर अपना यहाँ कैप्चर कोड फिल करना है। यहाँ कैप्चर कोड फिल करेंगे, फिर सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे आप सेंड ओटीपी क्लिक करेंगे आपके आधार कार्ड में जो नंबर लिंक रहेगा उस पर एक ओटीपी आएगा, आपको वो ओटीपी यहाँ फिल कर देना है, फिर आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे तो आपको यहाँ दिखाई दे देगा कि आपकी जो पीएम किसान की सम्मान निधि की जो पैसा था वो किस बैंक में जा रहा है, और किस बैंक में आ रहा था अब तक, और अब किस बैंक में आएगा। आप यहाँ देख सकते हैं जैसे आपने सबमिट करा तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा यानी कि आपके आधार कार्ड से जो बैंक लिंक है वो यहाँ पर शो कर देगा। आपको यहाँ से देख लेना है कौन सा बैंक आपके आधार कार्ड से लिंक है, यानी कि अगर ये यहाँ पर सही का निशान है तो आपको वहाँ से चेक कर लेना है कि कौन सा बैंक आपका लिंक है। उसी बैंक में 2000 रुपये किस्त आपकी जाएगी। अगर वहाँ का गुणा का निशान है तो अपनी केवाईसी सही से करा लेनी है, और अपने बैंक में जाके आधार सेटिंग का एक ऑप्शन होता है वहाँ से भी आधार सेटिंग करा लेनी है। अगर आपका वहाँ सही का निशान नहीं दिखाई देता तो वहाँ आधार सेटिंग करा लेनी है, और केवाईसी आपने नहीं कराई है तो आप ओटीपी के माध्यम से केवाईसी भी कर सकते हैं।
और अब नहीं आपके आधार कार्ड में नंबर नहीं है लिंक, तो आप CSC पर जाकर अपनी KYC करवा सकते हैं। KYC कराने के बाद आपको बैंक में भी अपना आधार कार्ड शेडिंग कराना जरूरी है, तभी आपकी किस्त इस साल की आएगी दूसरी।